Hello everyone, welcome to the selection classes. So we have another beautiful question and ये geometry का one of the we can say finest question है जिसको आप solve करना चाहिए before examination, क्योंकि अच्छे question यदि आपको पसंद है, you like challenges, तो ये question कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है. In the sense ये process थोड़ा सा lengthy हो जाएगा. तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस question को पहले पढ़िए, उसके बाद इसको समझने का कोशिश करिए and उसके बाद इसका solution करिए, right? सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. होपफुली आपने पढ़ लिया होगा और आपका मन है तो सॉल्व किया होगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है. ठीक है, तो क्या बोलता है क्वेश्चन? टोटल ट्राइंगल्स वी हैव टू फाइंड द टोटल ट्राइंगल्स सच दैट द लेंथ ऑफ एनी साइड इज नॉट ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो अदर साइड्स आर ऑल्सो इंटीजर. 8 से बड़ी कोई साइड नहीं हो सकती है और बाकी जो दोनों साइड है वो भी इंटीजर होनी चाहिए. तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं? वेरी ब्यूटीफुल. तो अगर आप ट्राइंगल के साइड्स को लिखना जानते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है, एल्क्विन सीरीज जिसको बोलते हैं, तो ये बोलता है कि आपको सबसे पहले छोटी साइड लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी. अगर तीनों बराबर है तो इनइक्वालिटी फॉलो करनी है. ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए. अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा बिल्कुल जोश में जो स्टार्ट करेगा, तो अगर मैं सबसे बड़ी साइड को 8 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको 8 मानता हूँ, है 8 मानता हूँ, ठीक है, 8 सबसे बड़ी साइड को सी, तो यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे हम ए लिखते हैं. तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट ए बी सी कैन टेक? तो आई कैन से कि ये 8 हो सकता है, ये 8 हो सकता है. वेरी नाइस. ये तो 8 फिक्स है, तो ये 8 ये भी फिक्स है. तो हम बारी बारी से चीज़ों को चेंज करते हैं. ये 8 है, ये 8 है, ये 6 हो सकता है, ये 8 है, ये 8 है, ये 5 हो सकता है, ये 8 है, ये 8 है, 4 हो सकता है, 8 8 3 हो सकता है, 8 8 2 भी हो सकता है, 8 8 1 भी हो सकता है. तो आई कैन से हमने पॉसिबल ट्राइंगल्स निकालने हैं जब सबसे बड़ी साइड 8 है. ठीक है, तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? तो आई कैन से 1 2 8 8 बन गए. तो अभी कहानी खत्म थोड़ी हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है. दूसरा पॉसिबल केस क्या है कि अगर हम सी को 8 तो अज्यूम करते हैं, अब जो बीच वाली साइड है उसको हमने बी और सी, इसको हम 7 मान लेते हैं. तो ये 7 हो सकती है तीसरी साइड भी, 8 7 6 चल सकता है, 8 7 5 चल सकता है, 8 7 4 हो सकता है, 8 7 3 हो सकता है, 8 7 2 हो सकता है, और जो जोश में आप लिख दोगे 8 7 1. ठीक है, आपने लिख दिया जो जोश में, बट आप कहीं ना कहीं डिरेल हो गए. डिरेल कैसे हो गए? क्योंकि यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए हम लिख क्या रहे हैं. ठीक है, आप सोच के देखो कि क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? दिस ट्राइंगल इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ये बोलता है कि सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड, और जो इनका डिफरेंस है वो तीसरे से छोटा होना चाहिए. तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. तो ये दोनों साइड का सम 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. तो दिस ट्राइंगल इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं. तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल बनेंगे? यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप बना पाए, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अभी पिक्चर खत्म थोड़ी हुई है. अच्छा, अभी 8 के साथ में ए बी सी, ये 8 है. अब हमने सेकंड लार्जेस्ट को 6 लेंगे, 6 पे काम करेंगे. तो 6 के साथ में 6 हो सकता है, 8 6 5 हो सकता है, 8 6 4 हो सकता है, 8 6 3 हो सकता है. 9 पे रुक जाएंगे, सम 9 बना देंगे. तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन पाएंगे? तो यहाँ पे बन पाएंगे 4 ट्राइंगल. अच्छा, अगर मैं और आगे चलता हूँ, 8 के साथ में भी हम 5 की बात करेंगे, तो 5 5 बन सकता है, 8 5 4 बन सकता है. यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन गए. क्या 8 4 4 वाला भी ट्राइंगल बन सकता है क्या? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप ये सोचते हैं कि सर 8 4 4 ये ट्राइंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब जो 8 सबसे बड़ी साइड है उसमें कितने ट्राइंगल बन पाए? तो 8 6 14 18 20. ठीक है, तो हमको ये बात समझ में आई कि अगर लार्जेस्ट साइड 8 है तो ट्राइंगल बनी है 20. तो अभी तो 8 एक
साइट आई है ना कि सात वाला केस बचा है, छः वाला बचा है, पाँच वाला बचा है, चार वाला बचा है, बाप रे बाप, ये तो पंगा हो गया। पंगा कैसे हो गया, बस एक सेवन वाला और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसका ऐसे आंसर बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा समझना चाहिए चीज़ों को, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी हम मानते हैं कि दूसरा केस एक कंसिडर करते हैं जहाँ पर सारी साइट को हमने सेवन, जो सबसे बड़ी साइड है सेवन लेते हैं, तो आई एम टेकिंग अनदर साइड जो सबसे बड़ी साइड है सेवन। तो अभी हम इसको सेवन मान के चलते हैं, सबसे बड़ी साइड सेवन है, ये तब है लार्जेस्ट साइड एट, अभी लार्जेस्ट साइड सेवन। तो सेवन में ये सेवन हो सकता है, ये सेवन हो सकता है, ये सेवन है, ये सिक्स है, ये सिक्स हो सकता है, सॉरी हमको इसको सेवन फिक्स करना है, सेवन सेवन भाई, ये सेवन सेवन, ये सेवन सेवन और ये सिक्स हो सकता है, ये सेवन सेवन फाइव हो सकता है, सेवन सेवन फोर हो सकता है, सेवन सेवन थ्री, सेवन सेवन टू, सेवन सेवन वन, ठीक है। ये सारे कितने ट्राइंगल बन गए, सेवन ट्राइंगल बन गए, ठीक है। दूसरा, अभी इसी को अगर हम सी को सेवन फिक्स कर चुके हैं, अभी हम बी को डिक्रीज करते हैं ना, एक एक छः, तो ए कितना हो सकता है सिक्स, फिर ये सिक्स फाइव, सिक्स फोर, सिक्स थ्री, सिक्स टू, सिक्स वन, बट सिक्स वन नहीं आएगा क्योंकि सम सेवन से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कितने ट्राइंगल गिन पाएंगे, सेवन तो फिक्स रहेगा इसमें सब में, दैट इज सेवन इज देयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीन पाँच, पाँच हो गए, अच्छा। फिर आगे चलते हैं, सी को सेवन फिक्स कर रखा है तो ये सेवन, अभी बी को पाँच करते हैं, तो पाँच पाँच बन जाएगा, पाँच चार बन जाएगा, पाँच तीन बन जाएगा, पाँच दो भी बन जाएगा, नहीं पाँच दो नहीं बनेगा, पाँच दो नहीं बनेगा, पंगा हो जाएगा पाँच दो पे। इसका मतलब यहाँ पे तीन ही ट्राइंगल बन पाएंगे, अच्छा। अगर मैं एक और बात को समझता हूँ, यहाँ पे सेवन है, इसको फोर मान लेते हैं, सेवन फोर फोर, सेवन फोर थ्री, ये नहीं बन पाएगा, फोर थ्री नहीं बनेगा, ग्रेटर होना चाहिए सम। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास एक ही ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, वन ट्राइंगल। तो अब ये कितने ट्राइंगल होंगे, तो ये आपके पास एक, तो टोटल कितने हो गए, अगर लार्जेस्ट साइड, अगर लार्जेस्ट साइड आपके पास सेवन है तो कितने ट्राइंगल बन पाएंगे, सात पाँच बारह, तीन पंद्रह और एक सोलह, कितने बन पाए, सोलह, ठीक है। अब यहीं से चीज़ें थोड़ी सी ऑब्जर्व होनी शुरू हो जाती हैं, यदि आप और लिखोगे तो थोड़ा सा और रिफाइनर वे मिल जाएगा, बट मैं आपको यहीं पे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं सारे केसेस लिखवाऊँ, तो हम चीज़ों को समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, और किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पहली बार करोगे तो आई कैन मेक श्योर कि बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है। चलो, हमने दो केसेस बना के देख लिए कि एक सेवन वाला एक सिक्स वाला, तो अभी हमने करा क्या है, हमारा फ़ायदा क्या हुआ, ओके। सो व्हाट आई कैन डू एक्चुअली, और व्हाट आई कैन थिंक एक्चुअली, कि अगर आपके पास लार्जेस्ट साइड इवन है, दैट इज टू एम होता है तो इवन, और अगर लार्जेस्ट साइड ऑड है दैट इज टू एम प्लस वन, लार्जेस्ट साइड टू एम प्लस वन की है, तो यहाँ पे क्या क्या नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। अब 2m प्लस 1 को समझना है, तो यहाँ पे जब आपने देखा लार्जेस्ट साइड 8 है ना, तो यहाँ पे जब अगर लार्जेस्ट साइड 2m की है, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेंगे वो m इंटू एम प्लस 1 बनेंगे, m इंटू एम प्लस 1 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसको 2m माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है, 2m माइनस 1 पे चल जाएगा। और अगर यहाँ पे साइड जो है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे m स्क्वायर बनेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसी बात को आपको समझना है कि अगर सबसे बड़ी साइड इवन है तो जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे वो एम एम प्लस वन बनेंगे, और यदि लार्जेस्ट साइड ऑड है, टू एम माइनस वन की फॉर्म में है, तो ट्राइंगल बनेंगे एम स्क्वायर, बस हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब देखो लार्जेस्ट साइड क्या क्या हो सकती है भाई, इवन वाली एट हो सकती है, सिक्स हो सकती है, फोर हो सकती है, टू हो सकती है, तो यहाँ पे ट्राइंगल गिनने हैं ना भाई। अगर मैं इसको स्प्लिट करूँगा, ये काम करते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 4 की फॉर्म में, 2 इंटू 3 की फॉर्म में, 2 इंटू 2 की फॉर्म में, और 2 इंटू 1 की फॉर्म में,
राइट। तो ये जो है ये एम की वैल्यू है बेसिकली, ये जो वैल्यू है ये एम की वैल्यू। तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? तो हमारा पहला केस कितना आ रहा था आप सोच के देखना, इट वॉज कमिंग आउट टू बी 20। तो भैया 4 × 5 यहाँ पे, 3 × 4 यहाँ पे, 2 × 3 और यहाँ पे 1 × 2। तो कितने हो जाएंगे? 20, 12, 6 और 2। तो 20, 12, 32, 6, 38 और 2, 40। तो 40 ट्राइंगल तो यहाँ बन गए, 40 ट्राइंगल्स बन चुके हैं जब इवन साइड सबसे बड़ी है। अच्छा, ऑड वाले केस में देखेंगे तो ऑड सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, इससे नीचे तो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अगर हम m को देखते हैं, m तो आप लिखोगे इसमें 2 × 4 − 1, यहाँ लिखेंगे 2 × 3 हाँ −1, यहाँ लिखेंगे 2 × 2 − 1 और यहाँ लिखेंगे 2 × 1 − 1। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ट्राइंगल कितने बनेंगे? m का स्क्वायर, तो 16, 9, 4 और 1, तो 16, 9, 25, 4, 29 और 1, 30। ठीक है, अब देखो ना, जब हमने लार्जेस्ट साइड को 7 लिया 16 ट्राइंगल बन गए, 16 बन गए। जब हमने लार्जेस्ट साइड को 20 लिया तो 20 ट्राइंगल बन गए। इसका मतलब जो टोटल इसका फाइनल आंसर आएगा, दैट इज फाइनल आंसर, तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? 40 और प्लीज 30, 70। तो 70 आपके पास, दैट इज 70 जो क्वेश्चन, 70 जो ट्राइंगल्स हैं वो नॉन कॉन्ग्रुएंट। तो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं, दैट इज 70। सो कंसेप्ट क्या निकल के आया कि अगर सबसे बड़ी साइड इवन है तो ट्वाइस ऑफ m है, m इंटू m प्लस 1, और अगर ऑड है तो m का स्क्वायर। सो दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरह के और भी कंसेप्ट के लिए आप सिलेक्शन क्लासेस के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।